तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्राटेक्चर लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 1.75 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक आधे परसेंट से भी ऊपर की करेक्शन दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 250.75 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है 207 रुपीज। जो ग्रीन कलर की नेक लाइन देख रहे हैं ये स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल का काम कर रही है और यहां पर स्टॉक थोड़े टाइम तक कंसोलिडेट किया और फिर यहां से स्टॉक में तेजी का मोमेंटम देखने को मिला। ऊपर स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज है 243 रुपीज। 243 रुपीज इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया था। ऊपरी लेवल पर जैसे स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेकआउट दिया, स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिलाएगा जहां पर स्टॉक ने ऊपर में 275 रुपीज का हाई बनाया है और ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और सेम अभी भी देखें तो स्टॉक जब 255 रुपीज का ऊपर में इस प्राइस को रिटेस्ट किया है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और स्टॉक का जो नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 233 रुपीज पर है। इस पॉइंट पर देखिए तो स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लेवल है। यहां से स्टॉक ने दो बार सेम प्राइस रीटेस्ट करने के बाद निचले लेवल पर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो नीचे में 233 रुपीज का इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखें और ऊपर के टारगेट अराउंड 285 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सके। इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर स्टॉक नीचे में 233 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। पर जब तक स्टॉक इस प्राइस से ऊपर रहेगा स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऊपर में स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज है 267 रुपीज। अगर एक बार स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग ले लेता है तो वहां पर स्टॉक लॉन्ग टर्म में एक बड़ी रैली दिखाता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।